जय हिंद दोस्तों। और मेरे भाई कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग होंगे फर्स्ट क्लास। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनडाउन गेम के अंदर आप लोग अपने कैरेक्टर को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो और अपने कैरेक्टर का फेस बिल्कुल ही अपने फेस जैसा आप लोग इस गेम के अंदर बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपना कैरेक्टर कस्टमाइज करना कैसे है वो आप लोगों को बता देता हूँ। सो अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको अनडाउन गेम को ओपन कर लेना है और फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको 4.5 GB का एक अपडेट भी देखने के लिए मिलेगा। सो गेम को ओपन करने के लिए 4.5 GB वाला अपडेट डाउनलोड करना जरूरी है, तो उसको पहले डाउनलोड कर लेना। और जैसे ही 4.5 GB वाला अपडेट डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर आपके सामने लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ से आपको साइन अप प्रोसेस को कंप्लीट करके अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेना है। और अभी के लिए यहाँ पर यूरेशिया सर्वर आ रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर यूरेशिया सर्वर को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सर्वर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है और कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके का स्क्रीन आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर सिंगल टैप करना है और अपने स्क्रीन पर टैप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आने वाला है। उसके बाद यहाँ से आप लोग अपने कैरेक्टर के लिए मेल या फीमेल जेंडर को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मेल सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके कैरेक्टर का अपीयरेंस प्रीसेट ओपन होके आ जाएगा, जहाँ से आप लोग इजीली अपने कैरेक्टर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो है अपना फेस कस्टमाइजेशन, यानी अपने कैरेक्टर का फेस आप लोग बिल्कुल अपने फेस जैसा कैसे बना सकते हो वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने कैरेक्टर के अंदर अपना फेस ऐड करने के लिए नीचे की तरफ ये वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर भाई तुम्हारा सुंदर सा मुखड़ा आ जाएगा। और यहाँ पर आपको अपने फेस को ऐड करने के लिए सिंपल सा इस फोटो को क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर वेट करना पड़ेगा आपको इमेज के प्रोसेस होने का। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैरेक्टर को इसने फोटो के अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमाइज कर दिया है। हालांकि मेरे फेस जैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा यार, इतना भी छपरी नहीं दिखता मैं। वेल कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं अपने फेस को ऐड करके। तो यहाँ पर आपको भाई अपना गोरा सा मुखड़ा ऐड कर लेना है और अपना फेस ऐड करने से पहले किसी ऐसी जगह पे चले जाना जहाँ पर सनलाइट आती है, क्योंकि सनलाइट में फोटो ऐड करोगे तो काफी अच्छी फोटो आपकी यहाँ पर ऐड होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कैरेक्टर मेरे फेस जैसा थोड़ा बहुत यहाँ पर हो चुका है। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टर को कस्टमाइज भी कर सकते हो, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको कस्टमाइज करने के मिल जाते हैं। और लास्ट में जब आप लोग अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से कस्टमाइज कर लोगे तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेव वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और अपने द्वारा कस्टमाइज किए हुए कैरेक्टर को सेव करने के बाद आप लोग इस लीग गेम के अंदर इस कैरेक्टर से खेल सकते हो। बाकी कल के दिन अनडाउन गेम के सर्वर ऑन होने वाले हैं, यानी आप लोग इजिली अनडाउन गेम को खेल सकोगे। और कल के दिन मैं आप लोगों को एक स्पेशल कोड भी देने वाला हूँ, जिसको रिडीम करके आप लोग इजिली फ्री गिफ्ट्स भी ले सकते हो। तो रिडीम कोड वाला वीडियो कल के दिन आने वाला है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को और अपने अनडाउन वाले फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ।